अलीगढ़ के नूप शहर रोड एफएम टावर पर स्थित एसीएन कॉलेज के फेल सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर हंगामा किया और पास होने के बदले कॉलेज मैनेजमेंट पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। जानकारी देते हुए फेल छात्र राकेश ने बताया कि हमें जानबूझकर फेल किया गया है और हमें यह भी विश्वास है कि हमें रीचेक करवाएंगे तो फिर से ही फेल ही दिखाएंगे और जो भी बच्चे कॉलेज नहीं आए उनको पास कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो भी पास हुए हैं उनका दोबारा एग्जाम कराया जाए, वह भी और किसी कॉलेज में। वहीं कॉलेज मैनेजमेंट ने बच्चों पर आरोप लगाया कि वह पढ़ते हैं नहीं और पास होने और केवल डिग्री लेने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? अनामिका नाम है मेरा। अमीना, क्या हुआ है यहाँ आज एसीएन पर? यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे कॉलेज वालों ने जो कभी बच्चे कॉलेज नहीं आते उन्होंने सबक नहीं दिए कि नर्सिंग की डेफिनेशन तक नहीं आते, उनको पास कराया गया। 12,000 रुपए लिए गए, 3,500 रुपए लिए गए। ये है कि इनको 3,500 रुपए हर बार 12,000 रुपए दिए जाए और चीटिंग कराई है उन्होंने, 12,000 रुपए लिए और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सबको फेल कराया गया। तो आज क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? पास कैसे होंगे आप? फीस को लेकर क्या मामला है? फीस को लेकर कितनी फीस दी थी आपने? हमने 1,00,000 दी है ना, पूरी 1 साल की ज्यादा है। और आज क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फुरकान अंसारी प्रोटेक्ट इस वजह से ही एशियन कॉलेज पे कि जिन बच्चों ने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी कभी, जिसको डेफिनेशन याद नहीं है वो बच्चे पास हैं और जो बच्चे डेली यूज़ में आते हैं कॉलेज में वो बच्चे फेल हैं, जिसमें कि कॉलेज वालों ने बच्चों से पैसा मांगा कि हम आपकी कॉपी लगवाएंगे और पैसा देंगे, मतलब पैसा आप हमें दो, ठीक है आप हमें पैसा दो हम आपको पास कराएंगे कॉपी लिख के, ठीक है। हमने बच्चों ने उन लोगों को पैसा दिया, पैसा देने के बाद भी वो बच्चे फेल थे और उन बच्चों की कॉपी इसी कॉलेज के टीचरों ने ही लिखी है। मेरा नाम अविष्का है सर। जिन बच्चों ने पैसे दिए हैं ना और जो पास हो गए, हम चाहते हैं अगर एग्जाम हो तो वो भी साथ में हमारे एग्जाम दें, क्योंकि सब भी हमारा पेपर इस कॉलेज में ना हो, कहीं भी हो, लखनऊ। कौन सी जगह कहलाती है ये? एसीएन एटम टावर, अनुपसर रोड, अलीगढ़। सर जब एडमिशन हुआ था तो एमडी सर ने ये कहा था कि तुम्हें 50% यहाँ से। क्या नाम है एमडी सर का? अंजुमासी। जब एडमिशन हुआ था तो सर ने यही कहा था कि तुम्हें 50% हेल्प मिलेगी यहाँ से, हेल्प भी खत्म। सर जब हमारी सेकंड ईयर में 72% बनी है, फर्स्ट ईयर हमारा कोविड में क्लियर हो गया, सेकंड ईयर में 72% बनी है, तो फाइनल में हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया पढ़ना। जिन लड़कियों ने सर पैसे दिए 50,000 रुपए दिए वो पास हो गए, जिनके जिन्हें जीएनएम के फुल फॉर्म तक नहीं आती वो पास हो गए, हम रह गए। टीचरों ने उनकी कॉपियाँ लिखी हैं। अगर सर हम नहीं चाहते कि हमें क्लियर पास हो जाए, ये कौन सी जगह का मामला है? कहाँ? एसीएन, एसीएन कॉलेज, अनुपसर रोड, एफएम टावर के सामने। सर दोबारा दोबारा पेपर ले लिया जाए, लेकिन हम पैसे नहीं दिए। सर हम दोबारा पेपर इस वर्ष पर लेंगे, दोबारा पेपर देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पेपर लखनऊ जो बच्चों पास हो गए। आपका अरविंद यादव। अरविंद क्या मामला है इसमें? मतलब मामला नकल कर आप ये लोग पैसे लेते हैं, अगर पैसे नहीं दोगे तो फील का पूरा वो करते हैं, फोर्स डालते हैं। हाँ दो बार एग्जाम फीस ले लिए इन्होंने और कोई स्टाफ ही नहीं है, दो टीचर है। जगह कौन सी कहलाती है? एफएम रोड मतलब और बुलंदशहर रोड और एशियन कॉलेज है। तो आज क्या मांग लेकर यहाँ खड़े हो? किसने मांगे पैसे? स्टाफ ही मांग रहा है। क्या नाम है उनका? एमडी शर्मा। एमडी शर्मा है, जगमोहन सर है। आपका क्या नाम है? उसका कहाँ पर हो आप? एफएम टावर के पास। तो क्या मामला है सर? हम पैसे हर चीज के हमसे डबल डबल पैसे लिए जाते हैं, हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? पूरे साल के पेपर 1,00,000 रुपए दे चुके हैं हम हर चीज में पैसे। 1,500 रुपए का फोन भरा गया, उसमें हमसे 3,500 रुपए। कॉलेज वाले कहेंगे कि बच्चों ने चीटिंग करी है, ठीक है इस बार हम अपने लखनऊ पेपर देंगे, लेकिन यहाँ कॉलेज में पेपर एक भी बच्चा नहीं। और जब इन्होंने एडमिशन लिया तो राकेश
राजेश कुमार, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें रीचेक कराएंगे तो हमें पता है कि एक एक गलती फिर देखी जाएगी और हमें फेल कर दिया जाएगा, बेटर फिर वहीं आके टिकट का फिर से ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा किस कॉलेज का मामला है? किस कॉलेज? एसीएन कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एपीएम टावर, एफएम टावर के जस्ट सामने। अगर हम रीचेक करवाते तो भी फेल कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक एक मिस्टेक चेक करेंगे फिर वो, और फिर से री देनी पड़ेगी। हमें नहीं लगता कि कॉलेज वाले हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें उनकी सपोर्ट नहीं लगती, चाहे हमें पेपर एग्जाम दोबारा देने पड़े। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, पास कराने तक के पैसे लेते हैं, और एग्जाम की क्या आपसे मांगी गई रिश्वत? और मांगे गए थे 3500 के अलावा और कुछ? बहुत सारे लोगों ने पेपर दे देंगे पर यहाँ नहीं देंगे, पर काफी 10,000 रुपए चेक हो या ना हो, पर हम यहाँ पेपर नहीं देंगे और हमें रीचेक करानी ही नहीं है। रीचेक कराने में फेल ही होंगे, क्योंकि यही फायदा, यही घाटा रहेगा हमारा। क्या मैटर है ये जो बच्चे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बच्चे असल में क्या है कि ये सब फेल हुए हैं, इसलिए नौकरी करने पढ़ने आते नहीं है, चाहते पैसे भी कमाते रहे और डिग्री भी ले लें। नकल का इनका प्रोसेस रहता है, नकल शासन द्वारा बिल्कुल कराई नहीं जाती। बहुत सख्ती से मुख्यमंत्री का आदेश है कि इसकी गुणवत्ता को लाया जाए, उसके आदेश में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सारे कॉलेजों में कैमरे लगवा दिए हैं और उनके 2 ऑब्जर्वर यहाँ बैठते हैं परीक्षा के टाइम। जब ये पढ़ाएंगे नहीं, क्लास करने नहीं आएंगे, स्वाभाविक है कि ये इम्तहान नहीं दे पाएंगे सही तरीके से। ये नकल के चक्कर में रहते हैं, नकल हो नहीं सकती। जैसे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज 3500 रुपये फीस है एग्जाम फीस, 12,000 रुपये वसूल लिए गए, ये बच्चों के आरोप निराधार हैं सारे। कुछ तो कहेंगे ही और ये किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। 13 तारीख को शासन द्वारा मीटिंग की जा रही है अलीगढ़ के अंदर साईं मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, जैसे इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जैसे कि बच्चे जो पढ़ने ही नहीं आए उनको पास कर दिया गया, और जो हम कंटिन्यू आ रहे हैं उसको, मतलब जैसे आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि इसके नाम में जो बच्चे आए ही नहीं कॉलेज पढ़ने के लिए उनको पास कर दिया गया, पास फेल की गारंटी, और ये कंटिन्यू आए तो हमें फेल कर दिया। ना पास हम करते हैं ना फेल करते हैं, कॉपी का जांचना, इम्तहान कराना, स्टेट मेडिकल फैकल्टी का काम है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये कौन सा कॉलेज कहलाता है? अलीगढ़ स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो इसमें आपका क्या रोल है? मेरा रोल सिर्फ पढ़ाना है इनके ऊपर। नहीं, आपका क्या पद है इसमें? डायरेक्टर हूँ।